हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार पे। दोस्तों, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपका मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करवाने जा रहे हैं और बैक टू बैक आपकी मैथ्स की क्लासेस आती रहेंगी। तो आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हम अपकमिंग 20 से 25 दिन में आपका मैथ्स का सारा सिलेबस कवर करवा देंगे। सो आज हमारा सबसे पहला चैप्टर मैथ्स का हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है रेशो, अनुपात और समानुपात। रेशो, अब मैथमेटिक्स में हम जब मैथ स्टार्ट करते हैं तो डिवाइड हम बचपन से जानते हैं, डिवाइड ही अल्टीमेटली दूसरा नाम है रेशो का। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 1/2, यानी कि एक को हमने 2 से डिवाइड कर दिया और इसी को हम रेशो बोलते हैं, 1:2। ये सबसे सिंपल सी डेफिनेशन है कि 1:2, 1/2 दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब इसके बेसिक के कंसेप्ट से हम रेशो को स्टार्ट करते हैं। जिसने आज तक कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ा, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली उसको ये चीज़ें समझ आएंगी और रेगुलर प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन, कि a:b इज इक्वल टू 2:3, ठीक है, और b:c इज इक्वल टू 2:3। तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि बता दो a:b:c इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब इसमें हमको सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, क्या, कि a यहीं पे हम सॉल्व करते हैं, a, b और c, ये रेशो हमको निकालनी है। a:b क्या है, 2:3, b:c 2:3। अब इनका एक कंबाइंड रेशो हमको सोल्व करके बताना है। तो अब क्या करेंगे कि आप यहां से देखिए, ऊपर वाली लाइन से देख लीजिए, सबसे पहले 2:3, इसके आगे 3 है यहां पे, तो लास्ट में 3 लिख दीजिए, ठीक है। और इस साइड 2 के आगे ब्लैंक है, तो यहां पे 2 लिख दीजिए, सिंपल। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा 4, 6 और 9, ये आपका आंसर होगा, सिंपल सी बात है। और इससे अलग एक आप मेथड देखना चाहें तो आप कैसे कर पाएंगे, है अल्टीमेटली इसी का एक फॉर्म। अब देखिए 2:3, इस 2 को और इस 3 को ये रिलेशन बना रहे हैं, अल्टीमेटली आपका यहां से जुड़ रहा है, तो ये जो इक्वेशन होगी ये आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे 2 से, यहां पे 3 से, आपको क्या मिलेगा, ये आपका बीच का 4, बीच का 6 और ये 9, सेम आपको यहीं से मिल जाएगा। अब यहाँ पे सोचोगे कि कितना ज़्यादा लिख दिया, मतलब कैसे, समझ नहीं आया, क्या नहीं आया, एक बार दोबारा देख लो। अगर आपको ये समझाने के बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। 2:3 और 2:3 देख लीजिए, इसको इन दोनों की ऐसे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एरो मेथड बोलते हैं इसको, इन दोनों की यहां से और इन दोनों की यहां से, ऐसे बोलते हैं, होगा अल्टीमेटली सेम ही। कैसे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, ये आपका आंसर आना है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। चलिए इसी पे एक और सवाल लेते हैं हम, इसी पे बेस्ड, a:b का रेशो दे दिया 1:2 और b:c का रेशो दे दिया 4:6। अब कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सा है, 1:2, 1:2, 1:2 और
4:6 क्या करेंगे? यहां पे लास्ट में 2 है, सी की जगह हम क्या डाल दें? 2 डाल दें। ए की जगह क्या डालें? ए की जगह इस साइड ले आइए, तो 4 है फ्रंट में, 4 डाल दिया, क्या आएगा? 4:8:12। अब देखिए क्या ये हमारा आंसर है? क्या ऑप्शन में ये हमें आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको यहाँ पे हम एक अलग उस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ 4:8, इसकी छोटी से छोटी फ्रैक्शन क्या बनेगी? ये बनेगी हमारा 1:2। तो एग्जाम में ये आंसर ना मिलते हुए हमें आंसर ये मिलेगा, तो हमें इसके लिए जाना है। अब यहाँ पे देखो क्या इनमें कुछ कॉमन है? हाँ है। क्या? 4 से काट दीजिए, 1:2:3, दैट्स इट, ये हमारा आंसर मिलेगा। तो इस तरह से हमको छोटी से छोटी रेशियो वही हमें आंसर में मिलेगी। अब सेम रेशियो आप 8, 16 और 24 कर देते तो सेम आती, लेकिन हमको फिर उससे 8 से काटना पड़ता, तो छोटी से छोटी रेशियो ही हमारा आंसर मिलेगी। यहां से पढ़ने के बाद अब आप घर पे जाके अपनी जो भी बुक्स हैं उसमें से प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। यहाँ पे एक आइडिया, ब्रीफ आइडिया मिल रहा है आपको कि ऐसे सवालों को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो अब इस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें होगा अब सी और डी दे दिया गया, अब ये क्वेश्चन और टाइट बन जाएगा। एक जब आप ये कर लोगे तो आपको पीछे वाला आसान लगने लगेगा, लेकिन अप्रोच इसमें भी सेम रखनी है। वो थोड़ा इजी पड़ता है, ये थोड़ा एक स्टेप और बढ़ गया। तो इसमें क्या होगा, ए और बी का रेशियो दे दिया इसने 2:3, 2:3 है ए और बी का अनुपात के बीच में। ठीक है, और बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में 4:3 का रेशियो है। सी और डी में 2:5, ठीक है। इसको हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, एक बार रुकिए, बोर्ड पे स्पेस रहेगा नहीं। a:b, b:c, c:d = a:b दे रखा आपको 2:3, b:c 4:3 और 2:5 ये दे दिया आपको यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर आप लिख दीजिए यहाँ पे a:b:c:d, a के नीचे a और b के नीचे b, ठीक है। 2:3, 4:3, 2:5, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे कैसे, कि सबसे पहला लाइन ले लीजिए, लास्ट में 3 है तो इसके बाद भी 3 और डी के नीचे भी 3, आसान है। 4 के आगे 4 और 3 के बाद में 3, यहां पे क्या आएगा आप खुद सोचिए अपने मन में, यहां पे आएगा हमारा 2, सॉरी 2 और 2। अब आप यहां पे क्या करना है आपको, इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे? 2 × 4 × 2 यानी कि 16, 4 × 3 × 2 = 24, 3 × 3 × 2 = ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका 45, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सिंपली लास्ट में
तीन था तो तीन तीन आगे लिख दिया, इसके आगे जगह है तो यहाँ पे चार लिख दिया, वहाँ पे तीन डाल दिया, इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपका बिल्कुल आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी हमको बताना है। अब इसमें क्या करना है कि ये दो सबसे पहले इसको भूल जाओ कि ये हमें दिया हुआ है, तो ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे कि एक बटा दो ए और एक बटा तीन बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि आपको बी को यहाँ पे ले आइए तो ए बटा बी आ गया, दो को उस साइड लेके जाइए तो ऊपर चला जाएगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है डिवाइड में वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो, ए था हमारे पास यहाँ पे, वहाँ पे ये था ऊपर, तो यहाँ आगे नीचे, तो यहाँ पे तीन नीचे है और दो भी नीचे है, दो वहाँ पे जाके ऊपर चला गया। ठीक है, एक एक स्टेप में इसको आपको करके बता देते हैं, रुक जाइए। कुछ बच्चे मैथ्स में वीक होंगे, उनको शायद प्रॉब्लम रहेगी। दो स्टेप्स में करते हैं इसको। देखिए, दो को उस साइड लेके जा सकता हूँ, सबसे पहले मैं ए, दो वहाँ पे जाएगा तो ऊपर, दो बटा तीन बी। अब बी को इस साइड ले आइए, ए बटा बी बराबर है दो बटा तीन, यानी कि ए रेशो बी इज इक्वल टू टू रेशो थ्री। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, आई थिंक नहीं होगा। यहीं पे बी रेशो सी निकालना है, सिमिलरली एक बटा तीन बराबर है एक बटा चार सी। अब सी आएगा हमारा नीचे और तीन जाएगा ऊपर, तीन बटा चार, यानी कि बी रेशो सी आपको दे दिया है तीन रेशो चार। पहला टाइप बन गया। अब यहां से आप खुद सोल्व कर सकते हो, देखिए कैसे करेंगे। ए रेशो बी, ए बी सी रेशो टू रेशो थ्री, टू रेशो थ्री, और बी रेशो सी आपका हो गया थ्री रेशो फोर। ठीक है, थ्री यहां पे लिख दीजिए और थ्री आप यहां पे लिख दीजिए, कटेगा यहां से तो दो रेशो तीन रेशो चार। ठीक है, ये आपका आसान हो गया। अब आपने यहां पे नोटिस किया होगा कि जब हमारी कनेक्टिंग टर्म जो है, कनेक्टिंग टर्म मतलब ये तीन कनेक्टिंग टर्म अपनी ये है, यहां से जहां से रेशो आपका कनेक्ट हो रहा है, तो वो अगर सेम हो तो हमारा आंसर बिल्कुल सीधा सेम आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको सिखाने के लिए जरूरी था। अब देखो, एक अलग से एग्जाम्पल लेते हैं, इतना बड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड ना करना पड़े। अब क्या करें, एक रेशो चार इज इक्वल टू, और बी रेशो सी दे दिया हमें दो रेशो तीन, तो हम इसको क्या करें, हम इसको दो से मल्टीप्लाई कर देते तो ये चार बन जाएगा और हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। इसको दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार आ गया, इसको भी दो से मल्टीप्लाई करोगे ये छः आ गया, और हमारा आंसर बन जाएगा एक रेशो चार रेशो छः, सिंपल। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका हाथ साफ होता जाएगा और आप अच्छे से सवाल सोल्व करते जाओगे। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स में कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा अगर आप मैथ्स में अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है, ये आपका जो 20-25 दिन का कोर्स है, ये जस्ट एक गाइडेंस कोर्स है, आपकी मेहनत ही आपको सिलेक्ट करवा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये कोर्स ले लोगे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, यहाँ से गाइडेंस लेके आप खुद की सेल्फ प्रैक्टिस करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सेल्फ स्टडी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप किसी का भी कोर्स परचेज कर लो, कुछ कर लो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छी गाइडेंस लो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाओ, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 400। 3x एक मिनट रुके, पिछले क्वेश्चन का आपको एक छोटा तरीका और बताते हैं। ठीक है, इतना बड़ा ना करना पड़े। एक बटा दो ए बराबर है एक बटा तीन बी बराबर है एक बटा चार सी। इसको देखते ही कैसे खत्म कर सकते हो आप। एक चीज ये देखिए कि ये तीनों बराबर हैं,
अगर मैं ए की जगह कुछ ऐसा रखूं, बी की जगह कुछ ऐसा रखूं, सी की जगह ऐसा कुछ रखूं कि हमारी इक्वल टर्म आ जाए, तो क्या हमारा ये सवाल आसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? मैं इन सबको एक बना देता हूँ, एक बराबर है एक बराबर है एक, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं एक ही जगह दो रख दूँ, 1/2 × 2 बराबर है 1/3 × 3 और 1/4 × 4, तो क्या हमारा सवाल सोल्व नहीं हो गया? तो हमारी ए की वैल्यू क्या आई? ए इज इक्वल टू 2, बी की वैल्यू आ गई हमारी 3 और सी की वैल्यू आ गई 4। ए रेशो बी रेशो सी क्या हो गया? 2:3:4। इतने आसान क्वेश्चन में मिल जाएंगे आपको, डायरेक्ट देखते ही आप बता दोगे कि यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, सारे इक्वल एक के हो गए, तो हमारा आंसर यहाँ पे 2:3:4 आ गया। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2, 3, 4 ही मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी मिले आपका क्वेश्चन अल्टीमेटली आराम से सोल्व हो जाएगा। आप देखो यहीं से क्वेश्चन नया बन जाएगा। कैसे? 9, 8 और 7, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 9:8:7। सिंपल, 9 लिखते ही सब इक्वल हो जाएंगे और सब इक्वल होते ही ये सोल्व हो जाएगा। इसमें कोई आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी रहता है तो बता दीजिएगा, हम सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 3x = 5y = 4z। ठीक है, 3x = 5y = 4z। अब हमको क्या बताना है? हमको पता ही क्या पूछेगा, रेशो ही पूछेगा, x, y और z का रेशो बता दीजिए। 3x, 5y, 4z, सबसे पहले हम इन दोनों को उठा लेंगे। ठीक है, इन दोनों को उठाने के बाद 3x = 5y क्या करेंगे? x को y के नीचे लेके आइए, 3 को 5 के नीचे लेके जाइए, रेशियो मिलेगा x/y = 5/3। ठीक है, y आ गया इस साइड, 3 चला गया उस साइड, कुछ नहीं किया, x/y हमारा हो गया 5:3। अब वाई जेड का देख लीजिए, 5y = 4z, y/z हो गया 4/5। अब ये होने के बाद हमको yz का रेशियो मिल गया 4:5। अब कैसे करेंगे? पहला ये स्टेप था हमारा रेशियो का, xy का रेशियो 5:3, yz का रेशियो 4:5, दैट्स इट, कर दीजिए। 3 यहाँ पे बढ़ा दीजिए, 4 यहाँ पे बढ़ा दीजिए, कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20:12:15, आसान है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 20:12:15। ठीक है, ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को साथ के साथ लिखते जाइए, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिए और बार बार में रिवीजन करते रहिए। अगर आप इन सवालों का रिवीजन नहीं करते हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के रिवीजन नहीं करते हो, तो कुछ दिन बाद आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, इसकी टेंडेंसी है बार 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 जिन चीज़ों को हम रिपीट करते हैं उन्हीं को हम याद रख पाते हैं, अदरवाइज हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a:b:c = 1/7 / 1/5 / 1/3। ठीक है, ये हमारा ए और बी और सी का रेशो हो गया। अब हमसे पूछा है भाई एक्चुअल रेशो क्या होगा? ठीक है, ए और बी और सी का एक्चुअल रेशो क्या होगा, क्योंकि रेशो कभी इस टर्म में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता,
ये हमको कॉम्प्लिकेट करके दे दिया गया है, सिंपली किस फॉर्म में होगा ए और बी और सी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसके लिए कुछ नहीं करते, ज्यादा कुछ हमको करना नहीं है। ये जो तीनों टर्म है ना, इनकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए हर एक के ऊपर, ठीक है, यहीं पे करवा देते हैं, 7 × 5 × 3, ठीक है, 7 × 5 × 3 और 7 × 5 × 3 काट दीजिए, सॉरी ये 3 था, 7 को काटना है, 7 कट गया। तो अब हमारा क्या होगा, 15:21:35, क्या फर्दर कट रहा है आगे, नहीं कट रहा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो, हमको पता था कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, अब देखो इसको छोटा सा और छोटा करने के लिए ratio 1/5 ratio 1/3 कुछ नहीं करना है। अब हमको पता है इसकी गुणा हम 7, 5 और 3 से करेंगे तो ये तो कट ही जाना है, ऊपर कौन आएंगे, 2, यानी कि इसको छोड़ के इन दो की मल्टीप्लाई हमारी आने वाली है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, देखिए नीचे 7 तो है, 7 को छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके नीचे कर दो, 15, 5 तो है, 5 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 21, 3 है, 3 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 35, ये हमारा आंसर है, बिल्कुल छोटा सा हल्के से, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन था जो हमने अभी सोल्व किया था, उसको करने की भी एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं मेथड तो वही है, बट थोड़ा सा ज्यादा सोच के हम उसको भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे था हमारा क्वेश्चन, 3x = 5y = 4z, ठीक है, एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा था, तो मैं x की जगह और y की जगह और z की जगह कुछ ऐसा रख दूं जिससे क्या हो हमारा सेम आ जाए हर जगह पे, तो हम मतलब इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया हमारा 15 और 60 60 और 60, ये बराबर, इसको 60 बनाने के लिए x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x की जगह मेरे को रखना पड़ेगा 20, y की जगह मेरे को रखना पड़ेगा 12 और z की जगह मेरे को रखना पड़ेगा 15, ये हमारा आंसर था। डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा आपको, a और b का, सॉरी x y का और y z का अलग से रेशियो निकालने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप यहीं से सोल्व कर जाओगे और आपका टाइम सेव होगा जो कि आप अगले क्वेश्चंस में लगाओगे, ठीक है। अब जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल करो और वो सही भी करो, ठीक है। अब आपने 10 ही सवाल किए और वो सारे ठीक कर लिए, लेकिन उनकी वजह से आपने 15 क्वेश्चंस को छोड़ दिया, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो आप क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब रेशियो से आगे चल के हमारा एक दो और क्वेश्चन लेते हैं हम इसके बेसिस पे। पूरे मैथमेटिक्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आपको काम आएगी, इस चीज को अच्छे से सीख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और ये अगर आपने कर लिया तो हर चैप्टर में आप कुछ न कुछ परसेंट तक आप अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे, आपकी बेसिक से अंडरस्टैंडिंग में आता है ये टाइप, नॉर्मल सी बात है, हम इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले सोच के सुन के डर गए होंगे, कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड क्या है, अगर एक पेन 5 रुपए का आता है तो मैं आपसे पूछ लूं कि 10 ये पेन हो गए, ये रुपए हो गए आपके इंडियन करेंसी, एक पेन आपका 5 रुपए का आता है तो 15 पेन कितने के आएंगे, बोल दो सर 75 के आएंगे, क्या मुश्किल है, ये यूनिटरी मेथड है। लेकिन नॉर्मली जब बड़े क्वेश्चंस में आते हैं तो हम पजल हो जाते हैं, जिन बंदों का, जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो बोलते हैं हमारे बेसिक्स कमजोर हैं और हम सवाल सोल्व नहीं कर पाते, इन पे काम करो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको यूनिटरी मेथड में पूछ लिया जाए कि आपके 5 पेन आते हैं 50 रुपये के, ठीक है, तो 150 रुपये में आपके टोटल कितने पेन आएंगे, क्लियर है, पेन अकेला है, ये दोनों है, तो जो अकेला है उसको यहाँ पे लिख लीजिए, सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। यूनिटरी मेथड में आपको ज़्यादा कुछ एक की दो की कीमत अगर डायरेक्टली निकल रही है तो बिल्कुल आसान है, लेकिन सम्स में नॉर्मली इतनी आसान नहीं रहती, ये इसका मल्टीपल होता है वो कट के आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो 5 की वैल्यू 5 रुपये, मतलब 5 पेन आपके 50 रुपये के आते हैं, तो 150
रुपए में आपके कितने पेन आएंगे, ये डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके 15 पेन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसी को हम रेशियो में यूज़ कैसे करेंगे, अभी उसका यूज़ आपके सामने आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, राम और किशन, राम और किशन की इनकम जो है, आय जो है, मतलब जितना वो कमाते हैं उनका अनुपात है 2:3, ठीक है। और राम की किशन की अनुपात जो आय है वो है 30,000 रुपये, ये कमाता है 30,000 रुपये। तो आपको बताना है कि राम की इनकम कितनी होगी, ठीक है। राम और कृष्ण की जो मंथली इनकम है वो 2:3 है, और इसका जो है वैल्यू है वो 30,000 रुपये है। तो राम की वैल्यू कितनी होगी, राम की इनकम कितनी होगी। अब यहाँ से हमने देखा था ये दो वैल्यू है, ये अकेली वैल्यू है, तीसरी पैसे वाली रुपए वाली वैल्यू हमको निकालनी है। तो 30,000 ऊपर रखिए, किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू होगी, राम की वैल्यू होगी, इससे काट दिया 10,000 × 2, 20,000 रुपये राम अपने घर महीने के दिन लेके आता है, 20,000 रुपये राम कमाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमका हमारा यूनिटरी मेथड ऐसे काम आता है, आपका टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस सब में ये काम आएगा। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें अर्थमेटिक का जिसमें ये कंसेप्ट यूज ना होता हो, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब यहाँ पे हमको दे दिया प्रोपोर्शन, समानुपात, अनुपात और समानुपात, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है, ये ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। प्रोपोर्शन तब यूज किया जाता है जब भी कोई दो रेशो सेम हो, सिमिलर होती हैं, जब तब जाके हमारा प्रोपोर्शन यूज होता है। 1/2, 8/100, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। इसको अगर हमें रेशियो और प्रोपोर्शन की टर्म में यूज करना हो तो हमने आपको बताया था कि 1:2 और 1/2 दोनों सेम चीजें होती हैं, तो इक्वल की जगह हम यही यूज करेंगे और 8:100, क्यों, क्योंकि इसको भी काटने के बाद तो 1/2 ही तो आना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर होंगे कि ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी। इसमें से आपको 3 टर्म दी जाएंगी, चौथी आपसे पूछी जाएगी। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन और इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, इसमें कोई ज्यादा मतलब हिंदी इंग्लिश का कोई झगड़ा है नहीं मैथ्स में, ठीक है। प्रथम अनुपात, समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, ऐसे करके इनकी डेफिनेशंस होती हैं। अब एक क्वेश्चन हमको इस पे सोल्व करना है, ठीक है। हमको दे दिया कि एक मिनट, संख्याएं 6, 8 और 9 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, 6, 8 और 9 इनका फोर्थ प्रोपोर्शन हमको पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, ये हो गया हमारा ए बी सी, डी हमको पता करना है, डी यहाँ पे। तो ए बाय बी यानी कि 6/8 बराबर है 9/डी, एक्स मान लेते हैं। इसको कैसे पता करेंगे, इसको अब देखिए, ये 3 और 4 ऐसे कट गया, ये यहाँ पे 3 से कट गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12, x विल बी आर आंसर। तो ये क्या होगा, हमारा 12 होगा। अब हमको पता लगाना है कि हमने जो आंसर निकाला वो सही या गलत है। रुकिए एक बार दोबारा देख लीजिए आप इसको, फोर्थ प्रोपोर्शन हमको पता लगाना है, कैसे लगाएंगे, a बाय बी 6/8, 9/
डी, फोर्थ प्रोपोर्शन है हमारा। तो इसको टू थ्री बाई फोर से, थ्री से थ्री गया और ये उस साइड ले जाइए, डी को इस साइड ले आइए। कैसे, 12 बटा डी था तो डी साइड आके या गया, तो हमारा ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। अब हमको कन्फर्म करना, वेरीफाई करना हमारा आंसर सही या गलत है। कैसे करेंगे, हमने पता लगाया था कि प्रोपोर्शन एक ऐसी चीज है जिसमें दो रेशियोज इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ए रेशियो बी यानी कि 6:8 और 9, डी की वैल्यू आई थी 12, काट दीजिए, छोटे से छोटी फॉर्म में लेके आएंगे तो 3/4 और 3/4 हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल है। तो ये दोनों चीजें हमारी प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है, ओके। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फिर हमारा यूनिटरी मेथड पे सोल्व होगा। दो नंबर्स हैं, दो संख्या हैं जिनका अनुपात है, दो संख्या मान लेते हैं हम एक्स और वाई, इनका जो रेशियो है वो है हमारा 9:11, ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग है हमारा 666, ठीक है। तो हमको कौन सी संख्या बतानी है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। ये संख्या निकाल लेंगे, ये संख्या निकाल लेंगे और उनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 9 और 11, तो 9x और 11x, ये हम दो नंबर मान लेते हैं। कैसे, मान लीजिए अब आपका 15 और 20 का रेशियो क्या होगा, आपके पास 15 रुपए हैं, आपके फ्रेंड के पास 20 रुपए हैं, अब इनके बीच इनका रेशियो क्या होगा, इनके बीच का रेशियो होगा 3:4। क्या हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास 3 रुपए थे, नहीं, एक्चुअल में तो आपके पास 15 रुपए थे और आपके फ्रेंड के पास 20 रुपए थे, 15 और 20, लेकिन हम बोल सकते हैं कि आपके दोनों पैसों के बीच का अनुपात क्या था, 3:4 था। तो हम इसको डिनोट करेंगे 3x और 4x के, सो दैट जब हमको x का पता लग जाए, x इस केस में हमारा क्या होगा, 5 होगा, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो हम बोलेंगे 3x रुपए थे, 4x रुपए थे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 3 रुपए थे, 4 रुपए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें सवाल में। तो 9x और 11x सिमिलरली हमने वहीं से निकाला है, कैसे, 9x और 11x, अब x से कट गया x और 9x और सॉरी 9:11, तो उनका उनके जो पास जो पैसे हैं उनका अनुपात होगा, ठीक है, सॉरी संख्याएं हैं जो उनका अनुपात होगा। इन दोनों का योग कितना दे रखा इन्होंने, 666, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि हमको बता दीजिए आप कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अब डिफरेंस देख लो, 11x माइनस का 9x इज इक्वल टू 2x, डिफरेंस तो 2x है। अब x की वैल्यू पता लगने के बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 20x हो गया, 9 और 11 20x इज इक्वल टू 666, 0 से गया 0, x की वैल्यू आ गई, काट दीजिए 33, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, 2x था, तो x की जगह हम डिफरेंस, अंतर, इन संख्याओं का अंतर 66 आ जाएगा, 2 × 33 इज इक्वल टू 66, 2x ही तो निकालना था, यहीं से आ गया था हमारा डायरेक्ट। ये हमारा इसको करने का सिंपलेस्ट मेथड था। एक बार दोबारा इसको आपको रिपीट करवा देता हूँ, कैसे, x और y का रेशियो आपको दे दिया 9:11 रेशियो है, ये इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना है, 66 है, तो हमने इन दोनों को जोड़ा, साथ में x क्यों लगेगा मैंने समझा दिया, ठीक है। 20x की वैल्यू आपकी होगी 660, तो x की वैल्यू होगी आपकी 33, दोनों का डिफरेंस कितना है, 11x और 9x का 2x, और डिफरेंस आ गया हमारा 2x, x की जगह हमने रख दिया 33 × 2 = 66, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सम लेते हैं हम, ए और बी की इनकम का रेशियो जो है 5:4 है, यानी कि आय, इनकम ए और बी की आय का जो रेशियो है वो 5:4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
और वो जो खर्चा करते हैं उसका अनुपात क्या है, उनके एक्सपेंडिचर का खर्चा, इसका अनुपात क्या है? इसका अनुपात है 4:3, 4:3, ठीक है। और ए और बी दोनों महीने के आखिर में उनके पास 1,000 रुपये की बचत होती है, वो अपने बैंक खाते में डलवा लेते हैं, ठीक है। तो बचत कितनी है, सेविंग कितनी है, सेविंग बचत ये हमारी हो गई 1,000 रुपये, ए बचाता है 1,000 रुपये, बी बचा लेता है, ठीक है। तो ए की इनकम कितनी थी ये हमको बताना है। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, ए और बी की आय इनकम का रेशियो है 5:4, यानी कि इनकी आमदनी 5:4 में है, खर्चा करते 4:3 का, दोनों 1,000 रुपये बचा लेते हैं। तो इन दोनों की ए की आय पूछी है, बी की बता सकते हो आप, खर्चा बता सकते हो, उसमें कुछ भी बताया जा सकता है, ए और बी की दोनों की बता देंगे हम, ठीक है। तो मान लीजिए उनकी आय थी 5x और 4x, ठीक है, और उसमें से 1,000 निकाल दीजिए बचत। देखो मान लीजिए आपने 20,000 रुपये कमाए एक महीने में और आपने 2,000 की बचत की और 18,000 खर्च कर दिए, तो आपने 20,000 में से आप अपनी बचत निकाल दो 2,000, तो आपका क्या बच जाएगा, खर्चा बच जाएगा, ठीक है। तो आपका खर्चा यहाँ पे आ जाएगा, 5x उसकी इनकम थी, 1,000 उसने बचत की थी, तो उसका खर्चा क्या बचा, 3y, मान लो 3y, और इसका 4x उसकी इनकम थी बी की, और इसने खर्च कर दी बचाए थे 1,000 रुपये, और फिर उसकी उसका खर्च, उसके एक्सपेंडिचर कितनी आएगी, उसके आएगी 3y। अब y से होगा y कैंसिल, इसको हम सोल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, 5 × 3 15x इस साइड लेके आओ, माइनस 3 × 1,000 3,000 उस साइड गया, 4x उस साइड जाएगा 16x, 1,000 उस साइड लेके जाओगे माइनस का 4,000, ठीक है। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, ये इस साइड चला जाएगा, वो उस साइड चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, आराम से सोल्व हो जाएगा। अब इसको उस साइड लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आओ तो ये प्लस हो जाएगा, ये 4,000 माइनस का यहाँ पे आके हुआ ये प्लस का, 3,000 ऑलरेडी माइनस का था माइनस, ठीक है, 16 प्लस का था वहीं पे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 15x प्लस का था उस साइड जाके माइनस का हो गया, तो x 16x में से 15x जाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, 4,000 में से 3,000 गए तो 1,000, ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 1,000। हमने माना था कि ए की जो आय है वो 5x है और बी की जो आय है वो 4x है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, यानी कि 5,000 ए की इनकम थी और 4,000 जो हमारी बी की इनकम थी। आई थिंक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आसान सा सवाल था। इसी के बेसिस पे अगर आपको ये समझ नहीं आया तो अगला समझ आएगा, अगले में आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, अपने हाथों से करने की एक बार ट्राई करना। सेम सवाल हम यह अभी लिखते हैं, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, ए और बी का रेशो 5:7 है, ठीक है, और उनके एक्सपेंडिचर खर्चे का रेशियो क्या है, इनकम, ठीक है, आय खर्च जो उन्होंने खर्च किया वो कितना किया, वो क्या 9:11 ए और बी का, ठीक है। और दोनों ने कितने कितने रुपए बचा लिए महीने के एंड में, उन्होंने बचा लिए 1,200 ए ने बचाए और 2,000 बी ने बचाए, ठीक है, इतने और इतने बचा लिए गए। अब देखिए इनकम मान लेते हैं हमने, इसने 5x कमाए, इसने 7x कमाए, लिख दो 5x 7x, इसने कितनी बचत की थी, 1,200 रुपये बचाए थे। अब इनकम में से आप बचत घटा दोगे तो आपका बचेगा क्या, खर्चा, नो नो रेशियो तो खर्च था,
ठीक है, इसमें से आप घटा दीजिए क्या 2000, तो बचा क्या आपका इसका खर्चा 11। ठीक है, अब इसको आप उस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 इंटू 5x माइनस का 1200 इज इक्वल टू 9 इंटू 7x माइनस का 2000। ठीक है, 55x माइनस का 11 और 12 के गुणा करोगे आप 0 0 22, ठीक है 13200, और यहाँ पे 9 के साथ से 63x माइनस का 18000। ठीक है, अब आप इसको उस साइड ले जाइए और इसको इस साइड ले आइए। ठीक है, 18000 को इस साइड लेके आएंगे तो 18000 हो जाएगा प्लस का 18000 माइनस 13200, 63 में से 55 घटाएंगे तो आ जाएगा 8x, 63 प्लस का है ये उस साइड जाके माइनस का, तो 63 में से 55 गया 8 बच गया। ठीक है, और अब हमारा है 18000 में से 13200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 4800 इज इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू आ गई 4800 काट दो, ये हो गया आपका 600 रुपये। 600 रुपये अगर हमारी x की वैल्यू है तो हमसे पूछा किसका है, b की कितनी आय होगी, यहाँ पे रख दीजिए 7 गुणा में 600 4200 रुपया, ये हमारी इनकम हो गई बी की। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। सबसे पहले क्या करना है, इनकी इनकम का रेशियो मान लो 5x 7x, खर्चा था 9 और 11, वाई मान लो, इसको भी आपको मानना हो तो हालांकि कट यहाँ पे जाना ही है, वाई 1200 और 2000 रुपए इन्होंने महीने के एंड में बचा लिए। इसकी कमाई थी 5000 रुपए, इनकम थी 1200 घटाए 7 एक्स था उसमें से 2000 घटाए तो 9 और 11 वाई था, वाई से वाई कट गया। इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे केवल और केवल आपका जोड़ घटा गुना भाग है, उसके बाद आपका आंसर वहां से आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, कोई भी फालतू का क्वेश्चन आपसे नहीं करवाया जा रहा है। अभी अगर आप यहाँ से अपना बेसिक स्टार्ट करते जाओगे आराम आराम से आपको क्वेश्चन समझ आते जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो यूट्यूब पर कमेंट करें, आपका कोई भी डाउट है वो सोल्व करवाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट सीरीज आपको फौजी ऐप में मिल जाएंगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर लंबाई की दो मोमबत्तियां पूरी तरह से क्रमशः 8 और 6 घंटे में जल जाती हैं। ठीक है, दो कैंडल हैं, दो मोमबत्तियां हैं, ए और बी मान लीजिए, ए जल जाती 8 घंटे में और बी जल जाती है 6 आवर्स में, 8 घंटे 6 घंटे में। यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती के बीच में अनुपात 2:1 रह जाएगा, यानी कि इनको एक साथ जलाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कितने टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा कि जो पहली मोमबत्ती है वो दुगनी रह जाएगी और ये एक गुना रह जाएगी। सिंपल सी बात है, ए और बी, ए जो कैंडल है वो पूरी पूरी 8 घंटे में जल जाती है, यानी कि ये स्लोली जलती है और ये जो जलती है काफ़ी फास्ट जलती है इसके कंपैरिजन में, ये कितने टाइम बाद दुगनी रह जाएगी इसकी, ये क्वेश्चन में पूछा गया हमसे। तो इसमें क्या करना है, हम कुछ लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, मान लो कितनी लंबाई की मोमबत्तियाँ, मान लें हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि हमारी इतनी लंबाई की एक मोमबत्ती जली है। ठीक है, अब 8 और 6 आई थिंक 24 ठीक रहेगा, 24 सेंटीमीटर की एक मोमबत्ती हमारी। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर की एक मोमबत्ती है तो वो एक घंटे में कितनी जलेगी, अगर 8 घंटे में कंप्लीट जल रही है तो 8 घंटे में 24 सेंटीमीटर की मोमबत्ती जल जा रही है तो एक घंटे में कितनी जलेगी, 3 सेंटीमीटर, ये जलेगी 3 सेंटीमीटर, इसकी स्पीड हो गई पर आर।
ये टाइम स्पीड डिस्टेंस जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन रेशियो का भी है। कई बार क्या होते हैं, ये रेशियो है, परसेंटेज है, ये कंसेप्ट है अपने आप में, ये आपको हर एक चैप्टर में मिल जाएंगे। कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें आप रेशियो के बिना वो चैप्टर आप फ्रेम कर पाओ, ठीक है। तो 4 और ये 6 घंटे में कंप्लीटली बर्न हो जाती है, तो 24 सेंटीमीटर की मोमबत्ती 1 घंटे में कितना मतलब जलेगी, तो ये जल जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 घंटे में ये स्पीड से जल रही है। कितने टाइम बाद ए दोगुनी रह जाएगी, ये सिंगल रह जाएगी। यहाँ से देख लो, 24 सेंटीमीटर की हमारी कैंडल थी, सेकंड भी 24 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, ये 1 घंटे में कितनी जलती है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कितनी जलती है, 4 सेंटीमीटर। कितने टाइम बाद, कितने टाइम बाद, टाइम तो दोनों एक ही टाइम पे नोट किया जाएगा कि इस टाइम पे दोनों कितनी जली है, तो कितने टाइम बाद दूसरी मोमबत्ती पहली के दोगुनी रह जाएगी, 2:1 में रह जाएगा। यहाँ से हमको क्वेश्चन सोल्व करना है, इसको उस साइड ले जाइए, इसको इस साइड ले ले आइए, एक तो यहाँ पे आना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हटा ही दीजिए क्योंकि हर एक के बारे में एक होता ही, उसको वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। 24 माइनस का 3 इज इक्वल टू 3x, ये उस साइड गया, 24 दूनी 48 माइनस का 8x हो गया। अब इसको मैं लेके आऊंगा इस साइड और इसको मैं लेके जाऊंगा उस साइड, 8x यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे आके प्लस का, 8x माइनस का 3x इज इक्वल टू 45 माइनस का 24, ठीक है, 5x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू आ गई आपकी 24/5 आवर्स, यानी कि 24/5 घंटे के बाद आपकी क्या होगी, ये कैंडल पूरी की पूरी बर्न हो जाए, सॉरी बर्न इतनी बर्न होगी कि ए दुगनी रह जाएगी बी से, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप खुद ट्राई करना एक बार, लिखने के बाद आप खुद करने की ट्राई करना, अगर आप ट्राई करने के बाद समझते हो तो चीज़ें आपके लिए समझने में आसान रहती हैं और लॉन्ग टर्म में आपको याद रहती हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक बार वीडियो पॉज करके अपना खुद से, खुद के हाथ से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, बराबर लंबाई की दो मोमबत्तियां पूरी तरह से 7 और 8 घंटे में जल जाती हैं, ए और बी, ए 7 में जल जाती है, बी 8 में जल जाती है, सॉरी 6 घंटे में, 7 और 6 घंटे में। यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद दोनों के बीच में अनुपात 3:1 रहेगा। 7 घंटे में ए जल जाती है, 6 घंटे में बी जल जाती है, दोनों को साथ जलाया जाए तो पहली कितने टाइम बाद तीसरी की तीन दूसरे की 3 गुनी रह जाएगी, ये आपको बताना है, आफ्टर कितने समय बाद। आपको इसके लिए मिलती है, ये मान लो 1 मिनट, 1 मिनट दी जाती है, आप ट्राई करो कितनी देर में आप इसको कंप्लीट कर दोगे। ओके, उम्मीद है आपने कर लिया होगा, जिसका नहीं सोल्व हुआ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, दो क्वेश्चंस ही दिए हमने इस पे, अपनी बुक से देखिए और देखिए, आपको इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं उनको सोल्व करने की ट्राई कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होता जाएगा, ठीक है। 7 और 6 घंटे में दो मोमबत्तियां जल रही हैं आपके, तो आप मान लीजिए कि आपकी मोमबत्ती कितने उसकी हाइट की मानोगे आप, हर एक मोमबत्ती आपकी 42 सेंटीमीटर की दो मोमबत्तियाँ, ठीक है, ये भी मान ली 42, ये भी मान ली 42 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये किस स्पीड से जलेगी, 7 घंटे में पूरी जल रहा जा रही है तो 1 घंटे में कितनी जलती होगी, 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की स्पीड से पहली वाली जल रही है, ठीक है, और कितने टाइम बाद पूछा है तो टाइम लगा दीजिए साथ में, क्योंकि
स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। हमारी स्पीड क्या है, किस स्पीड से चल रही है? सर 6 सेंटीमीटर एक घंटे में चल रही है, तो एक्सिस के साथ लगा दीजिए भाई। दूसरी में 7x की स्पीड से 6 घंटे में पूरी चल रही है, तो एक घंटे में 7 सेंटीमीटर जलेगी, तो जाके कंप्लीटली 6 घंटे में पूरी जल जाएगी, तो 7x की स्पीड से। तो इसने पूछा कितने टाइम बाद, टाइम के लिए हमने ये डाल दिया, ये रह जाएगी 3:1। कुछ नहीं करना, ये तो एक तो सबके बारे में होता ही है, इसको उस साइड ले जाइए बस, ठीक है। तो 42 - 6x इज इक्वल टू 42 × 3, ये हो गया आपका 126 माइनस का 7x, ठीक है। x की वैल्यू हमारी आएगी, जस्ट अ मिनट, ये भी तो 21 होगा ना, ये उस साइड जाएगा तो 21x यहां पे। अब ये इस साइड आएगा तो ये बन गया हमारा 21, यहां पे आके प्लस का 21x माइनस का 6x इज इक्वल टू 126 माइनस का 42। तो ये हो गया हमारा 15x इज इक्वल टू, उस साइड जाएगा ये इसमें से घटेगा, तो 42 और ये हो गया हमारा 84। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 84 बाय 15, यानी कि इसको आप अब काट सकते हो 28 बाय 5 आवर्स। x की वैल्यू आ गई आपकी 28/5 घंटे के बाद, ये इसकी 3 गुना रह जाएगी। अब मेरे को लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है कि ये आपने ये कैसे कर दिया, ये समझ नहीं आया। चलो ये कंसेप्ट समझाते हैं आपको, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट इस क्वेश्चन का यही है। अब मानो 42 सेंटीमीटर की ही एक कैंडल मान लो, ठीक है, और वो 7 घंटे में जल रही है, 7 घंटे में, ठीक है। अब 1 घंटे में वो कितनी जलती होगी, आप खुद से क्वेश्चन करना, आप बता दोगे इसका आंसर कि सर 1 घंटे में तो ये 6 सेंटीमीटर ही जलती होगी, तो दूसरे घंटे में 12 जल गई, तीसरे घंटे में 18, चौथे में 24, पांचवे में 35, छठे में दूसरे में 12, और 6 के टेबल पे काउंट होता जाएगा, मतलब इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो 7 घंटे में ये पूरी की पूरी कैंडल बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए मेरे को कि 3.5 घंटे में कितनी बर्न हो जाएगी, 3.5 आवर्स में ये कितनी बर्न हो जाएगी, तो इसकी स्पीड कितनी है, इतनी 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा, और 3.5 घंटे में पूछा है मैंने, तो आप बता दोगे कि 6 × 3.5 कितना होगा, बाय 10 कर दो, डेसिमल हटा दिया, तो 7/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर आपकी जल जाएगी। अब ये कैसे निकाला आपने, क्योंकि x हमने इस क्वेश्चन में इसकी जगह पुट किया था, तब जाके आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, तो ठीक है। हमारा सिंपल सा टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट लगा था इसमें, और एक स्पीड पता करके उसमें टाइम पुट कर दो, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कल आपकी आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगी टाइम पे, आपको कुछ दिनों में हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें कि आप साथ ही साथ डाउट पूछते रहोगे। अब इसमें क्या है, मैं पढ़ाता जाऊंगा, तो शायद जो आपके मन में डाउट हो वो उसका अभी फ्रिक्वेंटली आंसर मैं ना कर पाऊँ, ठीक है। तो अपकमिंग टाइम में लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आप फिजिकली प्रेजेंट क्लास जैसा फील ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर अगेन प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए, और कल टाइम पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, थैंक यू।